स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों। रायसेन मध्य प्रदेश में लाखों रुपए की लूट का 10 दिन में किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोहरगंज के पास ग्राम बिनायका में 25 दिसंबर की लूट का किया पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार और 2 फरार। गोहरगंज के पास बिनायका में ठेकेदार के घर में घुसकर बंदी बनाकर लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक रायसेन ने बताया कि आरोपियों ने फरियादी का नाम लेकर गेट खुलवाया था। आरोपियों ने घर के सभी लोगों को बंदी बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में जांच की सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पुलिस ने पूछताछ की। शक के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला। लूट में जो पैसा गया था उसमें से 90,000 रुपए बरामद कर लिए और कुछ जेवरात आरोपियों से बरामद कर लिए गए हैं। घटना में 7 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। कई दिन रेकी कर लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी आसपास के क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें से 2 फरार हैं। रायसेन से अली हसीन की रिपोर्ट। आरोपियों ने डाली और उसके पीछे कारण क्या रहा? विनेका में 25 तारीख को अनिकेत जी के यहाँ एक डकैती पड़ी तो ऐसा लग रहा था कि संभवतः कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इनके बारे में कोई जानकारी रखता हो। तो उसमें नेतृत्व में टीमें बनाई गई। आई साहब ने कुछ निर्देश दिए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे। इन सब के आधार पर सोनू, गोलू और विनोद, इन 3 लड़कों को जब हमने पकड़ा, पूछताछ की गई तो ये पाया गया उन्होंने अपराध स्वीकार किया और अपने साथ 4 अन्य लोगों का होना पाया गया। प्रकरण में अभी तक 5 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। 2 आरोपी नामजद हैं जो अभी जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमने विभिन्न जगह टीमें भेजी हैं। घटना में जो डकैती में जो जेवरात गए थे, जो कैश गया था, वो बरामद कर दिया है और इसके लिए मैं अपनी सभी टीमों को, टीम के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। इनाम भी मिलेगा? जी हाँ। सुना है कि जो डकैती करने वाले थे वो उनके कोई रिश्तेदार थे? जी, उनके मौसेरे भाई थे।